हेलो एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लिटिल गर्ल. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर इज दैट ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड समटाइम्स हमें लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो केवल और केवल हमें डांट सकते हैं, हमें मार सकते हैं. दे डोंट लव अस, दे डोंट गिव अस एनी प्रोटेक्शन, दे डोंट स्पेंड टाइम विद अस. सो ये हम फील करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंजेस फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. मतलब बच्ची पहले तो बहुत डरती है अपने पापा से, फिर उनको समझने लग जाती है एंड प्रोबेबली फाइंड अ नीको इन एवरी होम. एंड यही एक चीज़ है जो हर घर में मिलती है. हर घर में जो बच्चे होते हैं वो अपने पापा मम्मी से बहुत डरते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मन में जो फीलिंग होती है मम्मी पापा के लिए वो बदलती है ना. सो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज़ अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उसके पापा जो थे उसके लिए एक ऐसा फिगर थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, एक ऐसे पर्सन थे जिनसे हमेशा डरा जाए और जिन्हें अवॉइड किया जाए. हर सुबह जब वो ऑफिस जाने से पहले उस बच्ची के रूम में आते थे पापा और उसको एक कैजुअल किस देते थे, तो वो जो बच्ची थी वो बोलती थी गुड बाय फादर एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. तो जैसे ही उसके पापा ऑफिस चले जाते थे उनके व्हीकल की कैरिज मतलब व्हीकल की जो आवाज़ थी वो धीमी होती जाती थी, हल्की होती जाती थी रोड पर, तो उसको एकदम सेंस ऑफ रिलीफ महसूस होता था और खुशी महसूस होती थी कि चलो अब पापा गए, फ्रीडम महसूस होती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम जब उसके पापा आते थे, सो वो जो स्टेयर केस यानी कि सीढ़ियाँ हैं वहाँ से देखती थी और सुनती थी अपने पापा की लाउड वॉइस को इन द हॉल. वो क्या बोलते थे, ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर्स कम येट बट गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग बी माय स्लीपर्स. तो उसके पापा आते कहते कि मेरी चाय कहाँ है और मेरी चाय को ड्राइंग रूम में लाया जाए, अभी तक पेपर्स क्यों नहीं आए. मम्मी अब यहाँ पे मदर कौन है, देखो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होगा जैसे यहाँ पे फादर है या मदर है या ग्रैंड मदर है, ये सभी रेफरेंस में लिए गए हैं विद द लिटिल गर्ल केजिया. बच्ची का नाम केजिया दिया नहीं है, तो मतलब यहाँ पे अगर मदर बोला जाएगा ना तो उसका मतलब है केजिया की मदर, ग्रैंड मदर बोला जाएगा तो ग्रैंड मदर है केजिया की, फादर बोला जाएगा तो वो केजिया के फादर. सो वो कहते हैं उसके फादर की मदर किसकी मदर, केजिया की, जाओ और देखो कि जो पेपर है कहीं वो बाहर तो नहीं है एंड ब्रिंग मी माय स्लीपर्स और मेरी चप्पल लेकर आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, जो मम्मी थी केजिया की वो उसको बोलती केजिया सुनो इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे जाओ और पापा के जो बूट्स हैं उनको निकाल दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, स्लिप डाउन यानी कि ना चाहते हुए धीरे धीरे वो नीचे जाती, डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. तो वो स्टेयर्स से उतरती, उसके बाद हॉल में जब वो जाती ना और उसे क्रॉस करते हुए हॉल को, उसकी आवाज़ और धीरे हो जाती और जैसे ही वो ड्राइंग रूम को डोर को खोलती तो फिर हाँ तो वो नीचे जाती धीरे धीरे से और हॉल में जैसे ही वो पहुँचती तो उसकी जो उसकी आवाज़ थी और जो उसकी चलने की तीव्रता थी वो और धीरे हो जाती और फिर वो धीरे से ड्राइंग रूम डोर को खोलती. बाय दैट टाइम उस समय पर उसके जो पापा थे वो स्पेक्टिकल्स को लगा करके उस बच्ची को इस तरह से देखते थे कि वो तो डर जाती थी बच्ची. और फिर उसके पापा कहते कि केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. तो उसके पापा कहते कि इन बूट्स को निकालो और बाहर ले जाओ.
हैव यू बीन अ गुड गर्ल टू जाया, तुमने एक अच्छी बच्ची के साथ की तरह बिहेव किया या नहीं? तो अब केसिया कहती आई डोंट नो फादर, तो वो उस तरह से स्टटर करते हुए कहती थी कि उसके जो पापा थे उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था इस तरह से बोलना. सो यू डोंट नो, तो वो उसकी एक्टिंग करते हैं पापा और बोलते हैं कि यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दिस मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर तुम इस तरह से हकला हकला के बोला करोगी, रिपीट कर कर के बोला करोगी एक साउंड को, तो फिर मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा. शी नेवर स्टटर लाइक दिस विद अदर पीपल, औरों के साथ तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन पापा के साथ वो बहुत ज़्यादा स्टटर करके बोलती थी, क्योंकि जब वो पापा के साथ होती थी सो वो बहुत मुश्किल से शब्दों को प्रॉपरली बोल पाती थी, वो इतना डरती थी पापा से. सो बट ओनली विथ फादर शी यूज़ टू स्टटर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. आप बोलते हैं उसके फादर कि क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, वाई आर लुकिंग सो रेज अबाउट, तुम इतनी चिंतित, रेज मतलब चिंतित क्यों लग रही हो, अनहैप्पी क्यों लग रही हो. अब फिर उसके फादर मदर को बोलते हैं केजिया की दैट मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड. तो कहते हैं कि मदर मुझे ये पूरा विश्वास है कि तुमने इस बच्चे को सिखाया होगा कि इस तरह से ब्रिंक ऑफ सुसाइड यानी कि अभी आत्महत्या कर लूँगी, इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, इस तरह का बिहेव करना गलत होता है. हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. फिर उसके जो फादर हैं वो कहते हैं कि केजिया ये जो मेरा टी कप है, चाय का कप है, इसको तुम ध्यान से पूरे ढंग से टेबल पे रख दो. ही वॉज सो बिग. अब वो बच्ची अपने पापा के बारे में क्या सोचती है वो इस पर. सो वो अपने बच्ची जो है पापा के बारे में सोचती है दैट ही वॉज सो बिग, उसके फादर बहुत बड़े हैं. His hands and his neck, especially his mouth when he on. तो उसके पापा बहुत बड़े हैं, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, उनके नेक बहुत बड़ी है, और जब वो यॉन करते हैं ना तब उनका माउथ बहुत बड़ा हो जाता है. सो हीज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, बहुत बड़ा मुंह हो जाता है. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, अगर उनके बारे में सोचा जाए तो वो किसी जायंट से कम नहीं होगा. ऑन संडे आफ्टरनून, संडे को क्या होता था, हर दोपहर में उसकी जो ग्रैंड मदर होती थी वो उसको नीचे भेजा करती थी ड्राइंग रूम में, सो दैट वो अपने मम्मी पापा के साथ एक अच्छी टॉक कर सके, एक नाइस टॉक, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके. सो जिससे कि वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, उसकी जो दादी थी वो उसको भेजा करती थी ड्राइंग रूम. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन सोफा. तो जो बच्ची थी वो ये देखती थी कि उसकी जो मम्मी है वो तो न्यूज़पेपर को रीड कर रही हैं या कुछ रीडिंग कर रही हैं बुक वगैरह की, और जो फादर है वो सोफे में लेटे हुए हैं, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज माउथ. तो सोफे में लेट के जो पापा का हैंडकरचीफ है वो उनके मुंह पे लगा हुआ है, और उनके जो पैर हैं वो बेस्ट कुशन पे रखे हुए हैं, स्लीपिंग साउंड एंड स्नोरिंग, बड़ी गहरी नींद में वो सो रहे होते हैं खराटे लेकर. सो देखो ये बच्ची ड्राइंग रूम में आई होती है, इसकी मम्मी कुछ पढ़ रही है, ये देखिए मम्मी न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ रही है, और जो उसके फादर हैं हैंडकरचीफ को अपने मुंह पे रखे हुए हैं, सोफे में लेटे हुए हैं, और उन्होंने अपना जो पैर है वो बेस्ट कुशन पे रखा हुआ है, और यहाँ पे खड़ी है ये बच्ची केजिया. अब जो केजिया होती है वो क्या करती है, वो स्टूल पे बैठ जाती है और अपने पापा को बड़ा घूर घूर के देख रही होती है. जब उसके पापा उठते हैं और उसके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और समय पूछते हैं, और तब उसके पापा उसको देखते हैं. सो वो स्टूल पे बैठे हुए अपने पापा को देख रही होती है जब तक कि उसके पापा उठ नहीं जाते हैं, अपनी बॉडी को नहीं स्ट्रेच कर लेते और समय नहीं पूछते,
और फिर क्या होता है, उसके पापा उसको देखते हैं और कहते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, इस तरह से तुम स्टेयर मत किया करो, घूर घूर के मत देखा करो, तुम एक ब्राउन आउल की तरह मुझे लगती हो, एक खतरनाक बच्चे की तरह तुम मुझे लगती हो जो ब्राउन आउल होता है उसकी तरह। One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक बार क्या होता है कि जो grandmother होती है, grandmother बताती है उस बच्ची को, जब उस बच्ची के cold हो रहा होता है, जुकाम हो रहा होता है, वो घर के अंदर होती है, तो उसकी grandmother बताती है कि तुम्हारे father का birthday next week है, अगले हफ्ते तुम्हारे father का birthday है, और वो उन्हें कहती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए, एक सुंदर सा कुशन बनाना चाहिए एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे, और वो तुम येलो सिल्क से बनाओ। लिबरसली विद डबल कॉटन लेयर्स द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स बट व्हाट टू फिल इट विद, तो जो बच्ची है खूब मेहनत करती है और वो जो डबल कॉटन की लेयर्स है उससे स्ट्रिच कर देती है थ्री साइड्स, मगर उसके अंदर क्या भरना था अब ये क्वेश्चन था। जो ग्रैंडमदर थी वो गार्डन में थी और वो इधर उधर घूम रही थी इनटू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर द स्क्रैप्स, मतलब पेपर्स वगैरह की तलाश में, सॉरी ग्रैंडमदर बाहर थी और जो बच्ची थी वो ढूंढ रही थी कि मैं इन में क्या भरूँ, मैं क्या फिल करूँ इसमें क्या भरूँ सो दैट ये बहुत सुंदर सा बन के तैयार हो जाए। तो अब वो तलाश में जाती है अपने पेपर्स की या स्क्रैप्स मतलब पेपर्स और कॉट या कपड़े की मदर के रूम में, और देन ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइल पेपर्स, व्हाट शी फाउंड दैट देयर वर सम फाइन पेपर्स ऑन द बेड टेबल, सो what she did, she gathered them, इकट्ठा किया, she tore them into tiny pieces and stuffed her case then sewed up the fourth side, तो उसमें वो अपना ये सारा जो sheets वगैरह होते हैं और fine papers उसको भरते हैं, उसमें tiny pieces of fine paper के भर के वो जो fourth side है उसको sew कर देते हैं। तो वो उसने जो डबल की कॉटन ले उसने वो जो बनाया था वो डबल की डबल कॉटन लेस बनाया था। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यूमन क्राई इन द हाउस, उस समय घर पे रात को बहुत ज़्यादा ह्यूमन क्राई था, मतलब बहुत गुस्सा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, तो जो फादर ने एक पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच बनाई थी वो खो गई थी। अब सभी रूम्स को सर्च किया गया, देन सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया कि भाई कहाँ पे हैं पेपर्स, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, जो मदर हैं वो केजिया के रूम में आई। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम, सो अब जब मम्मी उसके रूम में आई तो फिर वो केजिया से पूछती हैं कि मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा कि कहाँ पे वो पेपर्स हैं फादर के जो हमारे टेबल पे रखे हुए थे रूम के, सो आर ओ यस शी सेड, वो कहती है अरे हाँ ये तो मुझे पता है, मैंने उनको फाड़ा और उनको जो पिन कुशन है उसमें भर दिया है फॉर द फादर सरप्राइज़, मैं फादर को सरप्राइज दूँगी उसका। मम्मी चिल्लाती है, बोलती है व्हाट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, उसको कहती है कि अभी की अभी तुम नीचे आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, तो क्या हुआ कि जो बच्ची है जब वो नीचे जाती है उसकी मम्मी उसको खींच के ले जाती हैं और देखती है कि वो पापा जो है ना वो टू एंड फ्रो आगे पीछे घूमे जा रहे हैं, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके जो हाथ है वो उनके बैक के पीछे हैं, और वो कहते हैं वेल ही सेड शार्पली, फिर मदर पूरी बात एक्सप्लेन करती है, फिर वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वो उस बच्ची को घूर के देखते हैं, डिड यू डू दैट, नो शी विस्पर, तो वो फिर से स्टटर करते हुए बच्ची बोलती है कि मैंने नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन डैम थिंग,
सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. अब उसके फादर हैं उसकी मम्मी को बोलते हैं कि मदर तुम अभी के अभी रूम में जाओ और वो जो डैम्ड थिंग है जो उसने बर्बादी करी है उसको जल्दी से ढूंढ के लाओ और इस बच्ची को बेड पे बिठा दो. Crying too much to explain, she lays in the shadowed room, watching the evening light, making a sad little pattern on the floor. So, उस समय बच्ची बहुत दुखी थी, बड़ी sad थी, little girl. तो वो उस समय जब बेड पे बैठी हुई थी वो देखती है कि जो bright जो light आ रही है उस कमरे में वो एक सैड लिटिल पैटर्न बना रही है फ्लोर में, एक अशांति जैसा, एक दुख भरा माहौल वो बन रहा है इवनिंग लाइट का. द फादर केम इनटू हर रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. अब जो पापा हैं वो रूम में आते हैं एंड उनके हाथ में एक स्केल होती है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. सो कहते हैं कि तुमने जो बर्बादी करी है उसके लिए अब तुमको डांट पिटेगी और मार पड़ेगी. ओ नो शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. तो अब वो बच्ची है उसको मार पड़ेगी और अब उसके जो अब वो चिल्लाते बोलती है कि नो नो और वो बेड क्लोथ्स यानी कि बेडशीट के अंदर छुप जाती है. ही पुल्ड देम असाइड. तो जो उसके फादर हैं वो क्या करते हैं जो बेडशीट है उसको तो हटाते हैं एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. उसको बोलते हैं कि तुम अपने हाथ आगे करो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग्स टू यू. सो अब जो उसके फादर हैं वो कहते हैं कि तुम्हें मैं ये पनिशमेंट देता हूँ कि तुम ये पनिशमेंट है तुम्हारी कि तुम हर चीज़ को छूती हो दूसरों की. सो तुमको एक बार सबक मिल जाएगा, तुम अगली बार से दूसरों की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को नहीं छूओगी. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. तो वो बच्ची कहती है कि ये तो मैंने आपकी बर्थडे के लिए बताया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. अब उसके पापा उसकी नहीं सुनते और उसके पाम्स में खूब तेज से स्केल से वो बीट करते हैं. आज लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर. तो अब हुआ क्या कि जब उसकी दादी आती है कुछ देर बाद तो वो दादी जो है वो उसको अपनी बॉडी में बिठाती है, अपने पास बिठाती है रॉकिंग चेयर में. और अब वो जो बच्ची है वो ये बोलती है कि व्हाट डिड गॉड मेड फादर फॉर. तो गॉड ने फादर को क्यों बनाया. शी सॉ हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज गो टू स्लीप पेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. So, अब क्या होता है उसके फादर कहते हैं कि ये लो एक क्लीन हैंक. उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि ये लो एक क्लीन हैंकी, अपनी नोज़ को ब्लो कर लो और सोने जाओ. पेट मतलब प्यार से बोला जाता है छोटे बच्चों को. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. और तुम अगले दिन सब कुछ भूल जाओगी जो आज तुमको मार पड़ी है. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि मैंने पापा को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं सुने. But the child never forgot. तो कोई बच्चा कोई बात नहीं भूलता है. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. So अब अगली बार जब अपने पापा को देखती है ना तो वो बहुत डर जाती है और वो जल्दी से अपने जो दोनों हाथ हैं उनको पीछे कर लेती है और उसका जो चीक्स है वो रेड कलर की हो जाता है. अब यहाँ पे आता है मैकडोनल्ड्स के बारे में. मैकडोनल्ड्स उनके एक नेबरहुड थे और ये जो मैकडोनल्ड्स थे ये मैकडोनल्ड एक अच्छे फादर थे जो उसको लगता था. सो मैकडोनल्ड्स उनके नेक्स्ट डोर में रहते थे. उनके 5 चिल्ड्रन थे. सो उनकी 5 चिल्ड्रन थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. तो जो छोटी सी बच्ची होती है वो क्या देखती है कि जो फेंस है वहाँ से देखती है कि जो वो उसके मैकडोनल्ड है उनके जो 5 बच्चे हैं उनके साथ वो टैग खेल रहे हैं. टैग एक पकड़म फ्लाई जैसा
गेम होता है. सो जो फादर है ना उनके ऊपर उनका एक बेबी एक बेटा है जिसका नेम है माऊ, जो और वो उनके शोल्डर्स पे बैठा हुआ है. दो लिटिल गर्ल्स हैं जो कि उनकी कोट पर हैंग हो रही हैं, कोट पॉकेट पे हैंग हो रही हैं और इधर उधर राउंड एंड राउंड घूम रही हैं अराउंड द फ्लावर बेड्स. और उनके जो एक उनके दो बेटे भी हैं और जो कि उन पे होस फेंक रहे हैं, दैट मीन्स जो पानी का पाइप होता है वो डाल रहे हैं, उन्हें भिगो रहे हैं. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और वो उन सभी बच्चों को हंसते हंसते पकड़ रहे हैं, इतना खेल रहे हैं वो. देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. तो अब उसको लगता है केजिया को कि डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर होते हैं, कई फादर होते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और कई होते हैं जैसे मेरे हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल. सो देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, अलग अलग तरह के फादर होते हैं. अब क्या होता है एक दिन कि जो मदर हैं वो बड़ी बीमार होती हैं एंड मदर और ग्रैंड मदर दोनों ही हॉस्पिटल होती हैं. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस. देखो तो उनकी कुक थी एलिस, उसके साथ वो बच्ची थी उस घर में. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. सो ये है मिस्टर मैकडोनल्ड और ये उनके शोल्डर्स पे है माओ, ये है दोनों डॉक्टर्स और ये हैं दो बॉयज़ जो उनके ऊपर होश डाल रहे हैं. बट वेल एलिस वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. तो जब एलिस उनको बेड पे डाल रही थी, बच्ची को बेड पे लिटा रही थी, तभी हल्की सी वो बच्ची डर जाती है. वॉट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर. अगर मुझे रात में कोई डरावना सपना आ गया तो क्या करूँगी मैं. ज़्यादातर तो नाइटमेयर्स जब भी मुझे आते हैं तो ग्रैनी होती हैं, वो मुझे अपने रूम में ले जाती हैं और आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स स्प्रे, सब कुछ मुझे भूतिया लगता है. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor papa. तो Alice बोलती है कि तुम सोने जाओ और अपने socks उतारो और please scream मत करना और अपने poor papa, अपने बेचारे थके हुए पापा को मत जगाना. But the same nightmare came. वही सपना आया. The butcher with a knife and a rope. वो केम नियरर एंड नियरर. तो एक बुचर है जिसके साथ जिसके हाथों में नाइफ और रोप है और वो उस बच्चे के पास आ रहा है. बुचर हो रहा है जो नॉनवेज कट करता है और उसकी कितनी डरावनी स्माइल है कि उससे वो बच्ची को बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो बच्ची मूव नहीं कर सकती है, ऐसा उसका सपना है. और वो बच्ची एक जगह पे खड़ी रहकर केवल और केवल चिल्ला रही है, क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा. और अब वो उठ जाती है बच्ची और वो देखती है कि उसके साइड में उसके फादर होते हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है. व्हाट्स द मैटर ही सेड. उसके पापा कहते हैं कि क्या हुआ. ओ अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी. वो कहते हैं अरे एक बुचर एक नाइफ. इस समय मतलब डरी हुई होती है. वो कहती है कि मुझे नानी की ग्रैनी के पास जाना है, दादी के पास जाना. He blew out the candle. वो ग्रैंड कैंडल को ब्लू आउट करते हैं. बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. तो क्या करते हैं वो कैंडल बुझाते हैं और उसके बाद वो नीचे झुकते हैं और उस छोटी सी बच्ची को अपने आर्म्स में उठाते हैं. कैरी हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. फिर वो उस बच्ची को अपने बिग बेडरूम में ले जाते हैं. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. अब बेड पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे. ही पुट अवे द पेपर्स. पेपर्स को हटाया और उन्होंने फिर उस छोटी सी बच्ची को बेड पे लिटा दिया और वो उसके साइड में लेट गए खुद. उसके जो पापा हैं वो आधे सो जा नहीं अब वो जो बच्ची है वो आधी सो जाती है. और विद अ बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्स शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. और वो बच्ची अपने पापा के एकदम पास में लेटी हुई होती है. स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म्स. अपने पापा के आर्म्स के अंदर वो घुसी हुई होती है. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट और उनकी शर्ट को पकड़ा हुआ होता है. देन द डार्क डिड नॉट मैटर. और अब जब अपने पापा के पास अपने पेरेंट के पास एकदम सिक्योर फील कर रही है. शी ले स्टिल. वो आराम से लेटी हुई है
और उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम अपने जो फीट हैं उसको मेरे लेग से रब करो और तुम्हें वार्मनेस फील होगी, सेड द फादर। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अब उसके फादर दिन भर वर्क करते हैं, वो थक गए थे, सो इस वजह से जो फादर हैं वो सो गए थे बिफोर द लिटिल गर्ल। अब बच्ची के दिमाग में एक फनी फीलिंग आ रही थी, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, सो ये मेरे फादर ज़्यादा भी बुरे नहीं हैं, वो ऐसा बोलती है, उनका कोई देखभाल करने के लिए यहाँ नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर से तो हार्ड है, बट इट इज़ अ नाइस हार्डनेस, एक अच्छी हार्डनेस है, एक सॉफ्ट हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। वो हर दिन इतनी मेहनत करते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे साथ मज़े नहीं कर पाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, उसने अपने पापा की इतनी मेहनत से लिखी गई जो राइटिंग्स थी, जो सारा वर्क था, सब फाड़ दिया, सब खराब कर दिया। शी इज चर्ड सडनली एंड साइड व्हाट्स द मैटर। आप उसके जो फादर हैं वो उठते हैं और देखते हैं बच्चे को और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। आज द फादर अनदर ड्रीम। फिर वो बच्ची बड़े स्वीटनेस से कहती है, ओ सेट द लिटिल गर्ल माई हेड ऑन योर हार्ट कैन एंड आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, बाय कैथरीन मैक्सवेल। सो हमने ये देखा था कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि किस तरह से एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स को, जब वो चाइल्ड बड़ा होता है तो ज़्यादा अच्छे समझता है, तो जैसे ही केसिया बड़ी होती है तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने मदर फादर को इतना अच्छे से समझने लग गई थी और वो अब जान गई थी कि उसकी क्या गलती और उसके पेरेंट्स की या उसकी क्या गलती है। सो थैंक यू।